अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। प्रवासी मजदूरों के लिए मदद का मसीहा बन रहे युवा समाज सेवी, खिला रहे भोजन, मिल रही दुआएं। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की मुसीबत झेलकर मुलुक जा रहे प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ लोग मदद का मसीहा बन रहे हैं। कई कई दिनों से पैदल चल रहे भूखे प्यासे प्रवासियों को हाईवे पर गुजर रहे ट्रकों में बिठाने के साथ ही उन्हें भोजन और पानी का इंतजाम कर रहे हैं। कुशीनगर जिले के महुआरी चौक पर जैनित स्कूल के सामने चल रहा यह लंगर इस बात का सबूत दे रहा है। इस लंगर के जरिए युवा समाज सेवी अक्षय प्रताप सिंह रिंटू अब तक 2000 प्रवासी मजदूरों की भूख मिटा चुके हैं, जबकि 5000 से अधिक लोगों को पानी की बोतलें भी बांट चुके हैं। बता दें कि हाईवे से गुजर रहे ये मजदूर मुंबई, गुजरात और गाजियाबाद से पैदल या साइकिल से यहाँ तक पहुँचे हैं, जो बिहार और झारखंड के विभिन्न जिलों तक जाने वाले हैं। प्रवासी मजदूर जहाँ मुसीबत में भोजन पानी की मदद मिलने पर खुशी जता रहे हैं, वहीं युवा समाज सेवी अक्षय प्रताप सिंह को भी लाखों दुआएं दे रहे हैं। लोग गाजियाबाद से आ रहे हैं और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 6 दिन लगातार इन सब लोग मिलकर साइकिल चलाए हैं। देख सकते हैं आप लोग, सरकार की तरफ से कोई भी इन लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था नहीं की गई है। हम लोग इन लोगों को NH 28 पे रोक के इनको घर जाने के लिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं कहीं खाने की व्यवस्था होती है तो ये लोग अपना पेट किसी तरह से भर लेते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग यहाँ हैं जो अपने घर के लिए जाने के लिए बहुत परेशान हैं। और हम लोग रिंटू भैया के सौजन्य से इन लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था किया गया।